जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी ने DDCA का जो घोटाला हुआ था उसका पर्दाफाश किया था, और उस वक्त हमने कुछ सवाल देश के वित्त मंत्री से पूछा था, अरुण जेटली जी से, और उनके मित्र लोकेश शर्मा जी से के बारे में भी। इन सवालों का जवाब देने की जगह उन्होंने, अरुण जेटली जी ने भी और साथ ही साथ लोकेश शर्मा जी कंपनी 21st सेंचुरी ने, इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर डिफेमेशन के मुकदमे दायर कर दिए। 3 मुकदमे इस वक्त चल रहे हैं। अरुण जेटली जी की तरफ से सिविल है और क्रिमिनल के 2 है, और 21st सेंचुरी की तरफ से मेरे और संजय सिंह के ऊपर एक सिविल सूट दायर किया गया है। उस वक्त भी हमने यह सवाल पूछा था कि DDA के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुए बॉक्सेस को लेके, उसमें कीर्ति आजाद जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी में ये कहा, मुझसे सवाल पूछा था कि आपका लोकेश शर्मा जी से आपके पर्सनल दोस्त है, व्यक्तिगत फ्रेंड है, और इन बॉक्सेस को देकर आपने तो उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है पनामा पेपर्स के हवाले से। ये अगर आप देखिए, स्पोर्ट्स प्रमोटर लोकेश शर्मा सेटअप एंटिटीज इन टैक्स हेवन, और ये खबर आगे पेज नंबर 6 पर और आगे आती है कि बिसाइड्स स्पोर्ट्स लोकेश शर्मा प्रमोटेड एंटिटीज इन टैक्स हेवन। ये है लोकेश शर्मा जी जिनके बारे में पनामा पेपर्स, जिसकी वजह से दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों की कुर्सी चली गई। आइसलैंड के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्राइसिस में है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर गंभीर सवाल उठे हैं, और इस देश के अंदर बहुत सारे राजनेताओं, फिल्म स्टारों को भी पूरे मसले पर सवाल जवाब करना पड़ रहा। और पनामा पेपर्स दुनिया के करीब 76 देशों के पत्रकारों ने मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन किया, हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, और ये साबित करता है किस तरीके से काले धन को, ब्लैक मनी को साइफन अप किया गया है और अपने देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसमें हिंदुस्तान के भी बहुत सारे लोगों के नाम है। अब उस पनामा पेपर्स के हवाले से 21st सेंचुरी लोकेश शर्मा जी का नाम सामने आया है कि 2 कंपनीज इनकी टैक्स हेवन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पाई गई है। मार्गरेटा सर्विसेज लिमिटेड 2011 में बनी, मार्डी ग्रास होल्डिंग लिमिटेड कंपनी 2015 में, और एक सब्सिडियरी कंपनी है पेपरमिंट जिसमें 90% स्टेक इनका है। तो कई सवाल इसमें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि भाई पनामा पेपर्स ने इस बात को स्टैब्लिश कर दिया है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का एक धंधा चल रहा था, तो ऐसे में लोकेश शर्मा जी और 21st सेंचुरी को इस बात की जरूरत क्यों पड़ी कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जाके आप अपनी कंपनी खोले, जहां जो टैक्स हेवन के नाम से जाना जाता है, जो ब्लैक मनी का अड्डा माना जाता है, वहां खोलने की जरूरत क्यों पड़ी आपको कंपनी, हिंदुस्तान में क्या नहीं खोल सकते। साथ ही साथ ये भी सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन कंपनीज को खोलने के लिए या इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपने RBI से किसी तरीके की परमिशन ली, RBI को नॉलेज में रखा या नहीं रखा, क्योंकि ये कानूनन बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, की अखबार खुद लिखता है कि जब इनसे पूछा गया कि 2011-2012 के जो टैक्स रिटर्न्स है, जो मार्गरेटा सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है, उसका जिक्र आपने इनकम टैक्स की रिपोर्ट में फाइल किया या फाइल नहीं किया उसके बाद, तो इन्होंने इसका जवाब देने की जगह कहा कि इट इज नॉट रेलेवेंट। तो ये जो तथ्य है, ये इस ओर इशारा करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मेरा सवाल इसको लेकर ये है कि लोकेश शर्मा जी, जो वित्त मंत्री जी के व्यक्तिगत मित्र हैं, और वित्त मंत्री जी इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हो, तमाम एजेंसीज जो इन सारे मामलों की जांच करेंगी, उनका सुपरविजन उनके अंडर में होगा, तो जो मल्टी एजेंसी जो मल्टी एजेंसी बनी है, वो कैसे लोकेश शर्मा जी की जांच करेगी, इस पे एक गंभीर सवाल उठता है। ऐसे वक्त में जबकि उनके व्यक्तिगत मित्र लोकेश शर्मा जी पनामा पेपर्स के माध्यम से इस वक्त
जिसे कहते हैं डॉग पे है, कटघरे के अंदर खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है, ये जो पैसा जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में था, क्या ये पैसा लोकेश शर्मा का था या किसी और व्यक्ति का था, किसी का फ्रंट था? क्या इस पैसे को लोकेश शर्मा की कंपनी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया? और क्या ऐसे लोगों के चेहरे सामने आने चाहिए या नहीं सामने आने चाहिए? आम आदमी पार्टी इस बात पर बहुत गंभीर है कि वित्त मंत्री जी को सामने आना चाहिए और उन्हें यह बात साबित करनी चाहिए कि लोकेश शर्मा जी से उनका क्या संबंध है और उनके रहते क्या लोकेश शर्मा के पनामा पेपर्स की जांच हो पाएगी, उनकी कंपनीज की जांच हो पाएगी, उसकी लीगैलिटी इलीगैलिटी साबित हो पाएगी? क्योंकि ये किस कदर 21st सेंचुरी पर मेहरबान थे वित्त मंत्री जी, इसका एक हवाला इस डॉक्यूमेंट से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये डॉक्यूमेंट 2 अगस्त 2003 का है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस सरकार के अंदर अरुण जेटली जी कॉमर्स मिनिस्टर थे, डीडीसीए के चेयरमैन भी थे। एक प्राइवेट बॉडी, उस प्राइवेट बॉडी को अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कहां पे की गई? कायदे से डीडीसीए के दफ्तर में होनी चाहिए, किसी प्राइवेट प्लेस पे होनी चाहिए, लेकिन वो मीटिंग हुई फर्स्ट फ्लोर उद्योग भवन नई दिल्ली। ये मेरे पास उस मीटिंग के मिनट्स हैं और ये कहती है कि एक प्राइवेट बॉडी की मीटिंग, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, वो उद्योग भवन के फर्स्ट फ्लोर पे हुई, ये अरुण जेटली जी के दफ्तर में उसकी मीटिंग हुई और ये है 2 अगस्त 2003 दो बजे दोपहरिया में 2 बजे। और इसमें क्या होता है, इस मीटिंग के अंदर ये तय होता है कि 21st सेंचुरी को डीडीए की जो बॉक्सेस बनने थे उसका ठेका दिया जाता है। ये कागजात आप लोग देख लीजिए, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। इस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये बात एस्टैब्लिश होती है कि बिना कोई टेंडर फ्लोट किए 21st सेंचुरी कंपनी को डीडीए के अंदर जो बॉक्सेस है, वीआईपी बॉक्सेस है, उनको बनाने का ठेका दिया जाता है। अब इससे ज्यादा सबूत आपको क्या चाहिए यह साबित करने के लिए कि किस कदर देश के वित्त मंत्री जी लोकेश शर्मा उनकी कंपनी पर मेहरबान थे कि उनको इस बात का भी, इस प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं था कि प्राइवेट कंपनी की या प्राइवेट बॉडी की मीटिंग सरकारी दफ्तरों में नहीं हुआ करती है। डीडीसीए का अपना दफ्तर वहां जाके कर सकते थे, डीडीसीए में कर सकते थे, किसी होटल में कर सकते थे, किसी के घर पे कर सकते थे, लेकिन उसकी मीटिंग 2 अगस्त 2003 2 बजे फर्स्ट फ्लोर उद्योग भवन जहां पे अरुण जेटली जी कॉमर्स मंत्री थे वहां पे होती है। लोकेश शर्मा जी की कंपनी को वहां पे ठेका दिया जाता है और ये कहा जाता है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आफ्टर डेलिबरेशन द हाउस ऑथराइजेस वर्किंग कमेटी थ्रू द जनरल सेक्रेटरी टू एग्जीक्यूट एग्रीमेंट विद 21st सेंचुरी मीडिया and also suggested that the details of the agreement should be discussed with Mr. Sunil Mittal before finalization. What does it prove? This proves the closeness of Mr. Arun Jaitley with Mr. Lokesh Sharma. Otherwise, there was no need to hurry up to have a meeting. Not only this, अब मैं आपके सामने ये भी साबित करूंगा कि SRCC जो कॉलेज है उसमें अरुण जेटली और लोकेश शर्मा जी उसके एलुमनाई है, यानी इन लोगों ने एक साथ वहां पढ़ाई की। अगर आप ये देखें लिस्ट, एलुमनस की लिस्ट है, इसमें अरुण जेटली का नाम यहाँ पे है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंपनी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप लोग अगर जाएंगे तो SRCC के एलुमनस की लिस्ट में आपको अरुण जेटली मिलेगा और 3-4 नाम के नीचे लोकेश शर्मा जी मिलेंगे। ये यानी एक ही कॉलेज में दोनों ने पढ़ाई की है। इसके अलावा ये हमने आपको 2010 की एक चिट्ठी की थी, आजाद की दिखाई थी, आज से 3-4 महीने पहले जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
क्योंकि तब अरुण जेटली जी ने कहा था कि उनके ऊपर आज तक किसी ने कोई व्यक्तिगत आरोप लगाया ही नहीं था डीडीसी के बाद। तब मैंने साबित किया था कि कीर्ति आजाद उनकी अपनी पार्टी के अध्यक्ष है, उनके अपनी पार्टी के मेंबर है, एमपी है। दरअसल उन्होंने ही चिट्ठी लिखकर अरुण जेटली जी को कहा था कि आपने लोकेश शर्मा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जो आपके मित्र है। वही कीर्ति आजाद जी 25 अप्रैल 2015 को एक और चिट्ठी देश के वित्त मंत्री को लिखते हैं। ये चिट्ठी मैं आपके सामने रखता हूं। एक और चिट्ठी वो देश के वित्त मंत्री को लिखते हैं, आप तो ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा हुआ टू मिस्टर अरुण जेटली ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। देन सब्जेक्ट क्या है, जो इनग्लोरियस रोल इन स्पोर्ट्स बॉडीज, इनग्लोरियस रोल इन स्पोर्ट्स बॉडीज डीडीसीए बीसीसीआई इन हॉकी इंडिया, इन हॉकी इंडिया। ये कीर्ति आजाद जी का लेटर है, मैं याद देख लीजिए। इसमें पैराग्राफ नंबर 4 मैं आपको पढ़ देता हूं। पैराग्राफ नंबर 4 कहता है दैट दिस सबलीज वाज फैसिलिटेटेड बाय 21st सेंचुरी लोकेश शर्मा योर नोन फ्रेंड। लिखा हुआ इसमें, मैं फिर पढ़ देता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी चिट्ठी है ये कि 21st सेंचुरी लोकेश शर्मा योर नोन फ्रेंड, यानी लोकेश शर्मा जी को डीडीसीए में अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने फायदा पहुंचाने की कोशिश की। यह पहले भी बता चुके हैं, हमने सवाल पूछा था कि अरुण जेटली जी का लोकेश शर्मा से क्या रिश्ता है, क्या उनके मित्र है या मित्र नहीं है, किस अधिकार से उन्होंने उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अरुण जेटली जी ने भी आम आदमी पार्टी और मेरे ऊपर, संजय सिंह के ऊपर और अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं के ऊपर उन्होंने बाकायदा डिफेमेशन किया। उसके बाद लोकेश शर्मा जी ने करंजावाला के माध्यम से हमारे ऊपर, संजय सिंह के ऊपर डिफेमेशन किया है। अब मैं सवाल पूछता हूं कि जिस व्यक्ति का नाम और जिस कंपनी का नाम पनामा पेपर्स में आया हुआ है, उस पनामा पेपर्स पे जहां पे ये बात कही जाती है कि काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करने की या टैक्स को बचाने की कोशिश की जाती है, अदरवाइज कोई और कारण नहीं कि आप किसी टैक्स हेवन में अपना पैसा रखेंगे, ये सवाल लीगैलिटी इललीगैलिटी का नहीं है। ये सवाल इस बात का है कि अगर आपको किसी टैक्स हेवन में या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पैसा रखने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इस देश के साथ छल करना है, तभी तो आपने किया, और आप कानून के किसी लूपहोल का सहारा लेना चाहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को जो उसका नाम पनामा पेपर्स में आता है और पनामा पेपर्स इस बात को उजागर करने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति अरुण जेटली जी के वित्त मंत्री के खास मित्र है, जो कई माध्यम से अब साबित हो चुकी है, उनके रहते इस पूरे मामले की जांच कैसे हो सकती है, ये मैं सवाल करना चाहता हूं। तो ये मैं, और आपको याद है हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की थी जिसमें अरुण जेटली जी ने डीडीसीए के मामले की जांच ना हो इसलिए उस वक्त के जो पुलिस कमिश्नर बीके गुप्ता और उस वक्त के जो जॉइंट कमिश्नर थे रंजीत नारायण उनको चिट्ठी लिखकर कहा था कि आप लोग इस मामले की जांच मत करिए, जांच को रोक दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसके आधार पर हम साबित कर पाए। तो सवाल यह कि जब ऐसा नोन ट्रैक रिकॉर्ड है तो आज हम कैसे ये मान लें कि देश के वित्त मंत्री के रहते लोकेश शर्मा जी के बारे में जांच पड़ताल हो सकती है, पनामा पेपर्स में जो खुलासा हुआ है उसका सच सामने आ सकता है। और क्या ये सवाल लाजमी नहीं है कि लोकेश शर्मा जी सिर्फ अपना ही पैसा वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रख रहे थे या किसी और का पैसा था, जिस पैसे को उन्होंने वहां छिपाने की कोशिश की और देश से टैक्स बचाने की कोशिश की, वो किसका पैसा था जो मनी लॉन्ड्रिंग जिसकी हो रही थी और पैसा वहां रखा गया। ये सवाल आम आदमी पार्टी आज देश के वित्त मंत्री से करती है और देश के सामने इस सवाल रखती है कि ऐसे वित्त मंत्री के रहते पनामा पेपर्स और लोकेश शर्मा और 21st सेंचुरी की जांच कैसे संभव है।